आज राष्ट्रपिता बापू का जन्मदिन है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व के राजनीतिक मंच पर अगर किसी का नाम लिया जा सकता है पूरे दुनिया में तो गांधी जी के अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं लिया जा सकता। और आइंस्टीन ने कह भी दिया था कि आने वाले पीढ़ी को शायद ही विश्वास हो कि हर माज का कोई व्यक्ति इस धरती पर उत्पन्न हुआ था। तो आज इनका जन्मदिन है, आइए हम सब लोग पढ़ करें कि हम गांधी जी के रास्ते पर बताए के रास्ते पर चले और नैतिकता चरित्र की राजनीति के आधार पर देश को आगे बढ़ाने का प्रदेश को आगे बढ़ाने का जितना भी संकल्प हो सके करें, यही सबसे बड़ी उनके पर श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी ऐसे मौके पर आकर के लोगों की भावनाओं को जानते भी हैं। और आइंस्टीन ने मैंने कह दिया कि कहा था कि आने वाले पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि धरती पर कोई हार मांस का व्यक्ति जन्म लिया था। तो इसलिए आज वो दिन है, आइए हम सब लोग पढ़ करें गांधी जी के रास्ते पर नैतिकता चरित्र के आधार पर हम राजनीति करें, समाज क्षेत्र में काम करें, तभी देश का उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा। महात्मा गांधी जी की 140वीं जयंती है और महात्मा गांधी जी एक महात्मा पुरुष थे, वो राजनीति के अलावा भी देशभक्ति और भारत और भारत की संस्कृति और देश के अंदर भारत की संस्कृति बढ़े, भारत में गौरक्षा हो, भारत में स्वदेशी का प्रचार और प्रसार हो और भारत स्वतंत्र हो, इसके लिए उन्होंने पूरे जीवन शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसापूर्ण अहिंसक तरीके से देश को आजाद करने के लिए अपना जीवन होम कर दिया और इसी देश की आजादी के लिए ही उन्होंने अपने प्राण अर्पण कर दिए। आज उनके जन्मदिन पर हम अपने जीवन में उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को अनुसरण करें, यही महात्मा गांधी जी का अमर संदेश है।